नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। बलरामपुर मुख्यालय के करीब स्थित ग्राम पंचायत रघुवापुर का कुड़ेदार केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों को मिलने वाले सरकारी राशन की ब्लैक मार्केटिंग कटौती और खरतौली करके मालामाल हो रहा है, ऐसा आरोप है। गरीब कार्डधारकों के पेट का निकलने वाला छीनने वाले कुड़ेदार के खिलाफ बार बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। जहां पर एक तरफ ग्रामीण कार्डधारक कुड़ेदार के कारनामों से परेशान है, तो वही कुड़ेदार सत्ताधारी नेताओं से ऊंची साठ काट कर हर महीने लाखों की मोटी कमाई करने में सफल हो रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा लाख शिकायत के बावजूद उसके खिलाफ न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही कोई जाँच होता है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। कहाँ के निवासी है? रघवापुर के। आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है? यही मामला है कि कोटे में राशन कम मिलता है। कहीं शिकायत किया गया इसका आपके द्वारा? शिकायत किया गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। कितना कम देते हैं कोटेदार? 5 किलो कम देते हैं, तोलने पर 2-3 किलो और कम हो जाता है। जिसको 20 किलो मिलना चाहिए, बाकी अगर वहाँ बात करो तो मार मिलता है। या घर पे तोलने पर 13-14 रहता है। क्या नाम है आपका? देवी प्रसाद पांडे। कहाँ के निवासी हैं? रघवापुर के। आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है? एक गल्ला खरतौली का जो 30 किलो बनता था, 25 किलो दे रहे थे उसका। मतलब कहीं शिकायत किया गया आपके द्वारा? पहले भी शिकायत हुआ था, उस शिकायत से कोई फर्क नहीं पड़ा। आप आए हैं, देखो क्या करते हैं, वो भी पक्का नहीं कि हो ही जाए। आए हैं, क्या मामला है? तहसील में एसडीएम साहब के समक्ष एक शिकायत है लड़के, जिसमें करीब 80 लोगों का अंगूठा है। उसमें राम सागर तिवारी इत्यादि लोग हैं। उसके क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें नायब तहसीलदार मैम है और हमको नियुक्त किया गया है। इस जाँच करके जो जाँच रिपोर्ट मिली उसको रिपोर्ट देने के लिए हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच करके रिपोर्ट सर को दिया जाएगा। अच्छा, इन लोगों का कहना है कि इससे पहले एक बार हो चुका है, लेकिन कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये लोग कह रहे हैं अपेक्षा क्या रहेगी इन लोगों की? जो अपेक्षा जो जांच हुई थी उसमें नायब सर भी थे जी, उनका फिलहाल ट्रांसफर हो गया है। हाँ जी। उसमें यथावत रिपोर्ट दी गई थी जी, उस पे जो भी कार्रवाई हुई है जी, आप कार्यालय से ले सकते हैं जी। जी। ग्रामीणों का आरोप है कि गल्ला आपके सामने तौला गया, उसके बाद भी 4-4, 5-5 किलो कम आया, इसमें क्या कहना है आपका? जो भी था पूरा बयान, जांच रिपोर्ट, कार्रवाई सब तहसील में है, उसको आप अवलोकन कर सकते हैं। ग्रामीणों के आरोप लगाए हुए लगभग 3 महीने बीत चुके हैं।